नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव शिवहर। शिवहर जिले के एक के वित्तीय वर्ष में एक ही रोड पर कई बार पैसा निकासी हुआ, जिसका जांच उप विकास आयुक्त विशाल राज ने किया। शिवहर जिले के शिवहर प्रखंड के कुसर पंचायत के वार्ड नंबर 10 में 14वीं वित्त आयोग तथा संसद कोटा से तथा पंचायती राज बागमती बांध से राम प्रवेश सिंह के घर रोड बना हुआ था। उसी रोड में एक्टिव वित्तीय वर्ष में कई बार एक ही काम का भुगतान का मामला था। उस रोड के साथ कुसर नाला तक रोड को जांच किया गया। कुसर नाला पर से मनरेगा से नाला उड़ाही की जांच हुआ। 14वीं वित्त आयोग से एक वर्ष में ही काम कर कई बार पैसा का निकासी हुआ था और उसी का काम जांच के लिए उप विकास आयुक्त विशाल राज ने जिला पदाधिकारी सज्जन आर के निर्देश से उस रोड की काम को जांच के लिए गए थे, पर उन्होंने बताया कि इसकी जांच किया गया है। पैसा निकासी का बैंक से स्टेटमेंट निकालने के बाद पता चलेगा। उप विकास आयुक्त विशाल राज ने बताया कि अनियमितता होगा तो कुसर पंचायत के मुखिया के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिले में चल रहा मनरेगा से ईंट सोलिंग के भी जांच विशाल राज विकास आयुक्त ने किया। बताया यह प्रक्रिया जल्द कर लिया जाएगा। इस रोड के आवेदनकर्ता क्षत्रिय महासभा के जिला अध्यक्ष रामा शंकर सिंह उर्फ राम चेला सिंह ने आवेदन दिया था। इसकी जांच के लिए जिला पदाधिकारी सज्जन आर तथा उप विकास आयुक्त विशाल राज जांच को निर्देश मिला था। रामा शंकर सिंह उर्फ राम चेला ने बताया कि 2 महीने पहले आवेदन दिया था, जो आज जाँच पूरा हुआ है। सर बताएंगे कि जो जांच के लिए सर आए हैं वार्ड नंबर 10 कुसर पंचायत में, क्या पाए हैं सर? यहाँ पर डबल भुगतान का कंप्लेन हुआ था कि एक ही रोड पे दो डिफरेंट योजनाओं से भुगतान करा लिया गया है, ऐसा कंप्लेन हुआ था। और यहाँ पर स्पॉट वेरिफिकेशन किया गया है और इंजीनियर के द्वारा बताया गया है कि वहाँ पर जहाँ पर दो योजनाओं का स्वीकृति हो गई थी वहाँ पर भुगतान वहाँ पर रोका गया था और उस हिसाब से भुगतान नहीं हुआ है वहाँ पर। तो यहाँ पर स्पॉट वेरिफिकेशन कर लिया गया है, उसके बाद हम लोग स्टेटमेंट हम लोग जाके एक बार चेक कर लेंगे ताकि हम लोग कंफर्म कर सकें कि ये डबल भुगतान डबल पेमेंट का मामला बनता है कि नहीं। सर पंचायत राम प्रवेश सिंह के घर से और बागमती किनारे के नज़दीक पंचायत से भी ढलाई हुआ था सर, और उसका भी भुगतान माने टेंडर होने के बाद ही हुआ था, इसमें सर आपको क्या कहना है? इसमें जो जानकारी मिली है वो यही मिली है कि जो टेंडर हो गया था और उसके बाद उस पर लेकिन काम स्टार्ट नहीं हुआ था। काम स्टार्ट हुआ था सर उसमें टेंडर में, जो काम स्टार्ट हुआ था उसका पेमेंट नहीं हुआ है। 14वीं से काम स्टार्ट हुआ था उसके बाद उसका पेमेंट नहीं हुआ था RWD की योजना से। हम लोग लेकिन वेरीफाई नहीं किए हैं अभी तक, और अभी स्पॉट वेरिफिकेशन के बाद हम लोग बैंक स्टेटमेंट जाके उसका मंगवा लेंगे इंजीनियरिंग सेल से और उसका हम लोग पेमेंट वेरीफाई। अगर अनियमितता पाया जाएगा तो सर कार्रवाई होगा? डेफिनेटली बिल्कुल कार्रवाई होगा। थैंक्स। क्या नाम हुआ आपका? नाम तो हुआ राम चेला सिंह, घर कुपगढ़ हुआ कुसर पंचायत में। यह बागमती बांध से कुपगढ़ हजन टोली तक ग्रामीण विभाग द्वारा टेंडर किया गया, वर्क भी किया कराया गया। उसी पश्चात उसी वित्तीय वर्ष में 14 वित्त आयोग से पंचायत द्वारा इस पर फर्जी निकासी हो गया, जो MB हम DDC DM नीति आयोग से लेकर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सबको दिए हुए हैं, जिसका क्या कहते हैं रजिस्ट्री भी कागज़ मेरे पास है। और रही बात पंचायत से, तो मनरेगा कच्ची नली पक्की योजना से सांसद निधि से एक ही काम पर 4 पैसा निकासी है, जो हम कागज DM DDC को दिए हुए हैं। 2 साल से जिला में दौड़ धूप कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। एक दिन पहले DDC से मिले हैं तो आज आके वो स्थल को निरीक्षण किए हैं। क्या क्या बताया है निरीक्षण के बाद? निरीक्षण के करने के पश्चात वो बताया है कि दोषी पर कार्रवाई किया जाएगा, अगर वह कार्रवाई नहीं करते हैं तो कोर्ट जाएंगे, इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ तो क्या करेंगे आप? कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ तो जिला का घेराव करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, उसमें नहीं होगा तो कोर्ट में केस करेंगे। यहाँ 5 वर्ष में कुपगढ़ वार्ड नंबर में पंचायत से 5 करोड़ का फर्जी निकासी है, कुछ कागज पर है, कुछ स्पॉट पर है, 5 करोड़ का काम हुआ है, इसकी जांच कराया जाए।